सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ BGMI या फिर PUBG मोबाइल की बैन आईडी क्या अनबैन हो सकती है, 10 ईयर्स बैन आपका अनबैन हो सकता है या फिर नहीं। देखिए, मैं इस वीडियो को लंबी नहीं करूँगा बिल्कुल भी, 1-2 मिनट की वीडियो होने वाली है। और जैसे कि होती है, मैं सीधे टॉपिक पर बात करता हूँ, कोई भी बहस करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीके को छोड़कर, अगर आपने हैक वगैरह यूज़ नहीं किया है, बिना फालतू में आपकी आईडी अगर बैन हो चुकी है, तो आप लोग BGMI सपोर्ट टीम को क्लेम फिल कर सकते। वहाँ से अगर अनबैन हो जाए तो हो सकती है, वरना ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि टेलीग्राम पर आ जाओ भाई, मैं तुम्हारी आईडी अनबैन करा दूंगा, इतने रुपए लगेंगे, तो भाई बिल्कुल स्कैम समझ लो, ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है। तो भाई लोग, आप लोग बिल्कुल स्कैम से बचना, ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है। आईडी, मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लेवल की आईडी अगर बैन हो जाती है तो उनको लगता है कि चलो यार, इस तरीके का यूज़ करके देख लेते हैं, दूसरों को पैसा दे कर देख लेते हैं, क्या पता अनबैन हो जाए। लेकिन गाइस, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है जिससे आपकी BGMI की बैन आईडी अनबैन हो जाए। इस वीडियो के साथ करना क्या है कि अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर रही है जिनकी BGMI आईडी बैन हो चुकी है और वो लोग अनबैन कराना चाह रहे हैं।